अनुराधा सक्सेना पन्ना से हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक वेज केक बनाऊंगी, जिसके लिए जो जो सामग्री हमें इस वेज केक के लिए चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ। पहले हम 2 कटोरी मैदा लेंगे, ये छोटी कटोरी कांच की है, इससे 2 कटोरी हम लोग मैदा लेंगे। इसमें डालेंगे दो कटोरी हमने मैदा डाल दिया है और ठीक इसका आधा हम लोग चीनी लेंगे। इसके इसका मतलब जब 2 कटोरी हमने मैदा लिया तो 1 कटोरी चीनी हम बाउल में डाल के पहले हमें पीसना होगा। ये हमने जार में डाल दिया 1 बाउल, थोड़ा सा और चीनी लेंगे, बस जार में इसको पीस लेंगे। हमने चीनी को पीस लिया है, अब ये चीनी हम डाल देंगे कटोरे में। उसके बाद हम एक छोटी सी ग्लास में दूध लेंगे, वो डालेंगे। को अच्छी तरह मिलाएंगे। ये हमारा आधा कटोरी मलाई है जो इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने मैदा डाल लिया, चीनी डाल लिया, दूध डाल लिया, मलाई डाल लिया। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे। चार चम्मच हमने मिल्क पाउडर डाल दिया इसमें। को अच्छी तरह हम लोग फेंट लेंगे। इसको हम अच्छी तरह हम लोगों ने फेंट लिया। अब इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर डालेंगे, लगभग 1 बड़ी चम्मच। ये बेकिंग पाउडर डाल दिया हमने, इसको फिर फेंटेंगे हम। पाउडर के बाद हम लोग इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 चम्मच। अच्छी तरह मिलाएंगे। बाद हम लोग 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच घी लिया है, उस घी को हम लोग गर्म कर लेंगे। ये घी को हम लोग कटोरा में डालेंगे, फिर इसको मिलाएंगे। अब इसमें हम लोग चोको पाउडर डालेंगे, लगभग 1 बड़ी चम्मच। चोको पाउडर हम लोगों ने डाल दिया है, फिर इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
रख दिया है, इसका कलर थोड़ा चॉकलेटी आ गया है। और आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे लोग कुछ ना कुछ अच्छा खाना ही ढूंढ रहे हैं, ये हम लोग अच्छे से घर में बना के दे सकते हैं। अब एट लास्ट हम लोग इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे, लगभग 7-8 बूंद डालेंगे। इसको अच्छे से फैट लेंगे लास्ट में। हम लोगों ने इसको अच्छे से फेंट लिया है, लगभग 10 मिनट फेंटेंगे इसको अच्छे से, जिससे ये स्मूथ हो जाए। अब हम लोग ये एक एल्युमिनियम के बर्तन में केक बनाएंगे, जिससे एल्युमिनियम के बर्तन में बहुत अच्छे केक बनते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा घी से घी डालेंगे, घी डाल के इसको चिकना कर लेंगे। के ऊपर थोड़ा मैदा छिड़केंगे। अब ये केक का बैटर कटोरा में डालेंगे। ये हमने कटोरा में डाल दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा तरीके से सेट कर लेंगे। अब एक हम लोग इडली का कुकर लेंगे, उसमें ये केक बनेगा। अगर आप लोग के पास इडली का कुकर नहीं है तो कोई भी आप बर्तन बड़ा यूज कर सकते हैं, उसमें ये छोटी कटोरी डाल के आप ढक्कन बंद कर दो कम से कम आधे घंटे के लिए। हम लोग मैं इस ये केक इडली के कुकर में बनाऊंगी, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। ये स्टैंड हम इडली के कुकर में रख देंगे और ये केक का कटोरा हम इसके ऊपर रखेंगे। और ये हमने इडली के कुकर में हमने ये केक का बैटर रख दिया है कटोरे में। इसको हम लोग 35 मिनट के लिए भाप में इसको अच्छे से पकने देंगे और इसका ढक्कन हम लोग बंद कर देंगे कम से कम 35 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग केक को चेक करेंगे, केक को हम लोग 35 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। एकदम लो फ्लेम रहेगा, 35 मिनट के लिए हम लोग इसको लो फ्लेम में रखेंगे। तो 5 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। लगभग 35 मिनट ओवर हो चुके हैं। अब हम लोग केक को एक बार चेक करेंगे, इसका ढक्कन हटाएंगे, हम लोग चाकू की सहायता से चेक करेंगे डाल के केक के अंदर कि ये पक गए कि नहीं। हमारा चाकू बिल्कुल साफ निकल गया, इसका मतलब केक रेडी हो चुका है 35 मिनट्स में। लेकिन हम लोग को एक काम क्या करना है कि ये केक का कटोरा भी निकालना नहीं है। हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे, केक रेडी है। और ये ढक्कन हम फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। गैस ऑफ ढक्कन को हम लोगों ने ढक दिया, जिससे केक और अच्छी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद हम लोग केक को निकालेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग केक को निकाल लेंगे। केक रेडी हो चुका है। अब एक चाकू से हम लोग केक के चारों साइड अच्छे से चाकू को सही से चला लेंगे, जिससे केक सही तरीके से निकल जाए। अब इस प्लेट में हम लोग
केक को डालेंगे, पलट देंगे हम लोग केक को और ये कटोरा उठा लेंगे। अब देखिए ये केक रेडी है, इसको हम लोग पलट लेंगे इससे। केक रेडी हो गया, अब हम इस केक को थोड़ा डेकोरेट करेंगे इस चॉकलेट के साथ। ये जेम्स चॉकलेट है, इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए हम लोग इसको डेकोरेट कर लेंगे। हमारा केक डेकोरेट हो चुका है। आशा करती हूँ ये केक आप सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और ये केक आप आराम से 10 दिन यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये हमारे मेरे हम द्वारा बनाया गया वेज केक बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।